हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते भी आप सब भी ठीक हो गए और हम भी ठीक ठाक हैं। और सुबह हो गया है और पसीने भी, इतनी गर्मी हो रही है। और वैसे देखो बादल हो रहे हैं, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है। सुबह उठे जब थोड़ी बहुत बारिश आके बंद भी हो चुकी थी और हमारे उठे पीछे भी थोड़ी सी आ ली बारिश, लेकिन अब फिर बंद हो रही है। वैसे बादल कर रखे हैं, काम वैसे सफाई का सारा हो चुका है ज़्यादातर। देखो ये है बाहर का मौसम, ये देखो मेरे पीछे आपने दिखाई भी देता होगा, गीला गीला भी हो रहा है चौक में सारे। बारिश हो गई और बंद हो चुकी है, ठंडा हो रहा है वैसे मौसम, लेकिन पसीने इब्बे भी ना सूखते। ये अंदर की लाइट थोड़ी सी बंद कर दी थी, बाहर से अंदर आते हैं ना जब अंधेरा सब गया है। और कनक के बाप पर नहा रहे हैं, दक्ष नहा चुका है, दक्ष लगा रहा है ज्योत बत्ती, फिर इसके पापा लगाऊंगे। ये देखो इधर ये लगा रहे हैं, यहाँ पे बैठा है और ज्योत लगा रहे हैं। ये पंखा चल रहा है तो थोड़ी बहुत आवा रही होगी, खेच देती फिर। रसोई का मेरा काम सारा हो चुका है। देखो सब्जी मैंने बना ली है, ये बना दी इधर, कड्डी बनाई है, दूध गर्म हो गया है मेरे पीछे आपने दिखाई देता होगा, और आटा मैंने लगा कर रख रखा है, ये लगा रखा, और बर्तन वर्तन साफ कर रखे हैं सारे। अभी खाना खाएंगे ना, दो पे ज्योत बत्ती लगा कर, जब बर्तन होंगे फिर वे बाद में साफ कर लेंगे। और घर की सारी साफ सफाई हो चुकी, पोचा वगैरह सब कुछ डस्टिंग का। बस मेरा नाना नाना रह रहा है, मैं वेट कर रही हूँ, इसके पापा नहा कर निकलेंगे फिर मैं नहाऊंगी। वैसे बाथरूम है दो, लेकिन नीचे वाले में ना कोई ना नहा जाता, एक आधी वो बच्चे नहा ले हैं, मैं तो ज़्यादातर ऊपर नहाया हूँ। कदे कदार ऐसा होगा भाई अकेली हूँ और दुकान वगैरह तो ज़्यादा जल्दी हो तो नीचे नहाती हूँ, नहीं तो ऊपर नहाया। अभी थोड़ी देर पसीने सुखा रही हूँ क्योंकि रसोई में थोड़ा काम करके आई थी ना, तो इसलिए पसीने आ रहे हैं और वेट भी कर रही हूँ, उसके पापा नहा कर निकलेंगे फिर मैं नहाऊंगी। मौसम बहुत मस्त हो रहा है, लेकिन कहीं जाना होता है ना, जैसे कल हॉस्पिटल गए थे जब इतनी ज़बरदस्त धूप थी, और आज ठंडा मौसम हो गया। हवा भी चल रही है थोड़ी बहुत, एक आधी बार इतना अच्छी हवा का जोखा है और फिर बंद हो गया है। ठीक है जी, नहा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दिन का टाइम हो गया अभी, सुबह तो खाना बना लिया था मैंने, और अब इसके पापा की रोटी बना के भेज रही हूँ। दिन का क्या, शाम का टाइम हो गया, 5 बजने वाले हो रहे हैं शाम के। सुबह से अब भी व्लॉग स्टार्ट करा है मैंने, क्योंकि दिन में थोड़ी देर लेट गई थी और उससे पहले मैं दुकान में चली गई थी खाना वाना खा के, कस्टमर आ गए थे नीचे दुकान में लगी रही, फिर दिन में थोड़ी सी देर बढ़ा दी थी दुकान। अभी ये रसोई मैंने ऐसे ही छोड़ रखी है क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बनाई भी थी रोटी, गैस पर बनाने के मारे ना भाई, इसीलिए एक ही बार साफ कर देंगे, ज़्यादा एक बार खाना बना कर नहीं रखते, क्योंकि गैस पे बनाना कोई चूल्हे में आग तबाल नहीं ना, अब भाई ज़्यादा वो लग गया। इसके पापा की रोटी बना दी, और मौसम हो रहा है बहुत ठंडा, मतलब बहुत ठंडा तो नहीं कह सकते, वैसे ठंडा मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है और बादल हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आएगी लेकिन आ नहीं रही। एक बार तो धूप निकलने को होगी थी सुबह, थोड़ा सा चमका सा निकले आया था, इसीलिए दुकान बढ़ा दी थी, और लेकिन अब फिर बादल हो रहे हैं। अब मैं उठी थी रोटी बनाने के लिए, और मगर शाम होगी अपना काम करें, दुकान वकान खोल लेंगे और इनकी रोटी को चाहनी है। मैं फटाफट रोटी बना दी हूँ और पहुँचा देती हूँ, फिर खोलूँगी दुकान, मैं बनाऊँगी थोड़ा सा, दोपहर में भूख लग रही थी बच्चों ने, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी, मतलब सब खा लेंगे। तो 3 रोटियाँ का आटा बच गया था शाम ने, तो फिर दोबारा भिगोना है, ये 3 रोटी बन गई थी, 3 रोटियां का बनाऊंगी
बिल्कुल गर्म है रोटी, मिक्सी में सही बनाना आ गया। इसमें घी अच्छा सा डाल के और जब बनावा है तो एक नंबर का बनाएगा। ये तो इसने तो मतलब ना बच्चे भी अगर चाहोगे तो बच्चे भी बना सके हैं। और जैसे ऐसे तोड़ने में ना हाथ जल रहे हैं ना, तो अगर इसमें वो करेंगे तो ये हाथ भी नहीं जलेंगे। ये मैंने इसमें डेढ़ रोटी एक बार में डाल ली है, पहले मैं इसमें पीस ली हूँ, उसके बाद डेढ़ रोटी बाद में पीसूंगी। यहीं पे है साथ के साथ है मिक्सी मेरे पास से, अभी फटाफट पीस देती हूँ। घी सारा खत्म कर दिया भाई हमने। देखो जब ही पीस गया, ज्यादा डाल देते हैं ना तो फिर इसमें मतलब रह जा है, तो इसीलिए थोड़ी ही मतलब कम रोटी डालनी चाहिए जितनी ये पीस सके, क्योंकि फिर ये चिपका चिपका सा हो गया है और फिर इसमें रह जा है। इसमें मैं थाली में निकाल लूंगी, गर्म है बिल्कुल, देखो बिल्कुल चूरा चूरा हो गया। ये डेढ़ रोटी और डाल दूंगी इसमें, तीन रोटियां का बनाया है क्योंकि इतना है आटा भी इतना ही रह रहा था, और वैसे भी तीन रोटियां का बहुत है हमारे लिए, एक एक रोटी का मुश्किल खाया जा भाई, खाया नहीं जाता। चूरमा सारे राज्य होकर खा ले हैं, इस मारे बना ले हैं जल्दी जल्दी, कुछ ना कुछ मीठा खाना है। बच्चा की छुट्टी है ना, और बाहर का मीठा था इतना हम ऐसे कुछ नहीं बनाते, अपने घर में ही बना ले हैं खीर हलवा वगैरह या भी चूरमा। या पूरा भी मिला दी भाई इसमें, पूरा मंगवा रखी है ये मिला दी, और घी हो गया मेरा तवे पे रखा रखा गरम, अभी रोटी बनाई थी ना तो गरम था तवा, बस उस पे रख दिया कटोरी में डाल के और उसमें गरम हो गया, वो इतने में हो गया गरम। लेकिन इसमें साथ के साथ घी मिला दूंगी, इसमें थोड़ा सा ना घी थोड़ा सा ज्यादा लग गए है इस मारे, मतलब ये सही बने है। और जो वैसे हाथ तभी चूर का बना हुआ है ना, वो बाद में रखा रखा सुखा सुखा सा हो जाए, यो ना होता इस तरिया, यो ज्यादा अच्छा लग गया। इसकी बुआई थी जब हमने बनवाया था उनते भी, उन्होंने हाथ से बनाया था रोटी बिचूर के, लेकिन वो रखा रखा ना जैसे करड़ा करड़ा सा हो गया है, यो ना हो इस तरिया, यो इस तरिया हो जाएगा जिस तरह हलवा सा होया करे ना, नरम नरम सा ही रहेगा क्योंकि इसमें घी ज्यादा लग गया है। ये बस देखो बन गया, एक कटोरी घी लग गया इसमें, घी थोड़ा सा मतलब उसके हिसाब से ज्यादा लग, डालना तो उसमें भी डालते हैं लेकिन फिर वो आठा का ज्यादा वो चिपचिपाट सा मच है। इसमें ज्यादा अच्छा लग गया, मतलब टेस्ट दोनों का अलग अलग है, उसका स्वाद अलग है इसका अलग है। ये कुछ कपड़ा का भाई पिको करिए चुनिया का, और आज नुकसान कर दिया बनाए बड़ा, काम कराया है थोड़ा और नुकसान कर दिया बना। क्या कर दिया? दिखाओ नुकसान क्या कर दिया, दिखा कनक कितना बड़ा घपला कर दिया। ये देखो यहाँ मैं सूट काट रही थी बैठ के और चद्दर काट दी साथ ही साथ, और मैं काटिया करती ना जब मैं ये सोचा करती मैं किसी दिन चद्दर कटेगी किसी दिन चद्दर कटेगी, आज काटे थी कई याद मैंने सुनी थी, या कोई बैठ पे बैठ पे काटना या किता बैठ पे काटना है तो चद्दर काट दी गल पता ना चल गया, वो काम मन ने भी कर दिया आज, इतने का सूट ना सिले काम ना करे इतने का नुकसान कर दिया। यो वाला सूट काटा था यो वाला, अभी फिर मशीन बदलनी पड़गी क्योंकि पिको की जे चुन्नी ना देनी थी अर्जेंट,
तो इसीलिए मैं कहा पहले पिको कर दूँगी सूट बाद में सिल लूँगी। नई की नई चादर का कर दिया ना आज, आज हो रही है भाई छक्कन की तैयारी। कनक का पाते सुना होगा, कहना कनक के अगर बच्चे काट देते तो बच्चा की होती पिटाई। अरे बाप बोलो मावे तुम भी कर दो ताई मेरी मजाक दो तो है ना मजाक। मैं कह रही थी ना खत्म मेरी कर दो, क्योंकि कनक यही बैठी थी जब मैं काटन ला करी थी। कनक ने जब मैं देख लिया था और काट की चादर तो कनक जब कह रही थी बोला ई बाप ने नुकसान कर दिया जब कुछ नहीं, हम कर देते तो हमारी पिटाई हो जाती। और हम तो हो जाते मम्मी को पता नहीं क्या। अरे देखो हाथ मेरा आज ना बिल्कुल नीला हो गया काला, मतलब कल हल्का हल्का दिखाई दे रहा था आज बिल्कुल काला हो गया। दर्द नहीं है लेकिन मैं सोचू कि दर्द ना हो कदे इसमें, लेकिन दर्द को नहीं मरूमती काला हो गया। अच्छा ना लगता ना दूर तो देखते ही नहीं लग रहा है इसको। तो थोड़े से कपड़ा का पिको करी है, दक्ष बैठे हैं नीचे दुकान में बिठा कर आई थी उसने, क्योंकि मैंने अर्जेंट चुन्नी दे रही थी ना तो मैं ही बैठी थी नीचे दुकान में। इसके पापा की रोटी बनाने के बाद मैं चली गई थी नीचे दुकान में, अभी तक मैं ही बैठी थी, ये अपना काम कर रही थी। अरे ये सूट इतना महंगा पड़ गया मेरा, एक आधा कपड़ा ना बस बेकार हो इतने दिन से काट रही थी जब कदे ऐसा नुकसान ना होया जी सही आज हो गया। देखेंगे इसमें मैं सोच रही तकिया वगैरह की कवर वगैरह निकाल दूंगी। अब तो तकिया बन सके इसका बीच में तक कर दिया अपने, पति बीचू बीच तो हो गया और काफी सारा कट गया। देखेंगे कुछ तो यूज में ले आवाएंगे क्योंकि चादर बहुत अच्छी है व्हाइट कलर की, बल्कि थोड़ी सी मैली हो रही है क्योंकि कई दिन हो गए पीछे, तीन चार दिन हो गए। ये बटान का नंबर आ रहा था उससे पहले ही कर दिए, कर दिया काम तमाम। क्या करो। और अब थोड़ी देर में बनाऊंगी खाना, वैसे इस टाइम बिल्कुल लड़का है खा है, एक आधी रोटी खाओगा कोई खाओगा तो, मैं तो खाती है नहीं कई दिन से, नहीं खा रही मैं खाना शाम के टाइम नहीं बेटा। अरे ये मैं बढ़ा पाऊँगी दुकान, आज पानी भी नहीं आएगा, पानी भी कल आया था। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो भाई, जो नए आते चैनल पे सब्सक्राइब करा करो, शेयर भी करा करो भाई, कमेंट भी करा करो अच्छे अच्छे। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।